is called electrostatic. तो मेरे बेटा देखिए, हमने बात की थी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक की कि ये दो वर्ड मुश्किल है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक. इलेक्ट्रो से मतलब हो गया चार्जेस और स्टैटिक से मतलब हो गया है रेस्ट. हमने उसको डिफाइन किया द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द चार्जेस एंड रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब यहां पे बात हो रही है चार्जेस की. चार्जेस कितने होते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ चार्जेस आप पढ़ के आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, अपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है. दो तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. टाइप ऑफ चार्जेस, नंबर वन पॉजिटिव चार्ज. बेटा यहां तक क्लियर है? माइक में जरा बता दीजिएगा ताकि. चार्जेस में क्या होते हैं? अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन भी होती है. ठीक है, सेम चार्जेस आपको पता है रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. सेम हमारे पास जो कूलम्स लॉ होगा बेसिकली इसके अंदर भी इसी तरह कुछ काम होगा, लेकिन उसके अंदर हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे. ग्रेविटेशन फोर्स में हमारे पास मैसेस के ऊपर वर्क हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे बेसिकली वेट करेंगे चार्जेस को. तो बेटा कूलम लॉ का रिलेशन बन जाता है F is equal to K Q1 Q2 over R का स्क्वायर. इसको हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं रिलेशन को, ट्राई करते हैं सबसे पहले. तो मेरा बेटा इसको स्टार्ट करते हैं. और रिपल्शन between two point charges is directly proportional to the magnitude and inversely proportional
of the distance between them is known as Coulomb's law. So, मेरे बेटे देखिए, the force of attraction or repulsion between the two point charges. यानी कि दो charges के दरमियान क्या कर रही है? Force attract भी कर रही है, repel भी कर रही है. तो relation बन जाएगा F is directly proportional to Q1 and Q2. According to statement देखिए मेरे बेटा, हमने relation लिया, दो charges हैं, वो किसके directly proportional आ रही है? Force के आ रही है. तो इस equation number one का नाम देते हैं. And proportional to the magnitude and inversely proportional to the scale of the distance between them. अब ये क्या है? Inversely proportional है. Force क्या हो जाएगी? 1 over r का square. ये हो गई आपके पास equation 2. दो equations आ गई. F1, ये equation 1, force directly proportional and force inversely proportional. Equation 1 और equation 2 को हम combine करेंगे.